नाम बताइए। अब्दुल हक। अब्दुल अब्दुल हक हक। मैं अपने पेंचिस को भी फोन लगाया, मैंने खुद भी उन लोगों को कहा कि भाई आप उधर बमोरी गाला में आ जाएं, मेरी पंचायत के जो लोग हैं वहाँ गाड़ियों का बंदोबस्त है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ पर चाय वाय का भी बंदोबस्त होगा, मेडिकल का भी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, हमारे तहसीलदार साहब वहाँ आ रहे हैं। और ये सर बड़ी खुशी की बात है कि आप जो आर्मी जो हमारी है मथियानी की, ये बहुत ही काम अच्छा काम कर रही है, देर रात काम कर रही है, और हमारे साथ इनका बहुत ही वो अच्छा टाई अप है, मेल जोल है, हमें पूछते रहते हैं किसी किस्म की कोई समस्या है तो हमें बताना, क्या हो रहा है हमें बताना। तो सर हमें बहुत आप पर आर्मी पर, अपनी आर्मी पर बहुत गर्व है, गर्व की बात है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये जो बकरवाल लोग हैं, ये मोबाइल जो लोग हैं, इन इन बेचारों को बड़ी परेशानी आती थी, तो ये एक आपने जो जो कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। सर मैं आम मथियानी कैंप में साहब का अदावर करता चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने सहूलत रखा है, यहाँ सभी तहसीलदार साहब आ रहे हैं, कार्ड न्यू हो रहे हैं और चाय पानी नाश्ता मिल रही है, जाने से त्रियाड़ गाड़ी आने से किराए से खर्चे से बहुत लोगों के लिए हमको सहूलियत हो गई है, और हम गरीबों लोगों के लिए इतना फौज ने मथियानी कैंप में जो फौज है साहब ने हमारे लोगों के लिए इतनी तरफदारी की है, बहुत धन्यवाद सर। सर ये आज ये कैंप जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आर्मी मथियानी की तरफ से और रेवन्यू की तालमेल से इन गरीब लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ताकि ये लोग कहीं दर बदर तहसीलों के चक्कर ना काटें, कहीं एक बार आते हैं कहीं अवसर नहीं मिलते हैं, तो इनकी भलाई के लिए हमने यहाँ ही और आर्मी के माध्यम से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और इनकी सहूलियत के लिए है ये, ना कि हर बार ये दर बदर होते हैं, कभी कोई तंग करता है कभी कोई तंग करता है, इनकी सहूलियत के लिए कैंप लगाया गया है, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी ऐसे काम ऑर्गेनाइज होते रहें, इन लोगों की मुश्किल जो है वो कम हो। हमें मुझे खासकर कल तकरीबन 3 बजे यहाँ मेजर साहब की तरफ से फॉर्मेशन मिली, फोन हुआ कि सब जो आपकी पंचायत गलहान के हैं या लेवर त्रिवेणी बी के, जहाँ भी आप लोगों के बकरवाल जो हैं वो यहाँ आए, तो तहसीलदार साहब को हम यहाँ बुला रहे हैं और मीटिंग भी हुई है हमारी उनके साथ कि आप लोग यहाँ आकर आप लोगों का जो मसला है, बकरवाल बकरवाल लोग जो गर्मी में माल मवेशी लेकर श्रीनगर जाते हैं तो उनका मसला यह हल कर देंगे, जो कार्ड वगैरह होते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी काम होता है वो हम आपको जल्दी से जल्दी हल कर लेंगे। तो इस वजह से हम सब जो जितने भी पॉपुलेशन यहाँ हमारी बकरवालों की आई है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो भी है, तो इस वजह से हम मेजर साहब का और तहसीलदार साहब त्रियाठ वालों का बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं कि जिन्होंने आज यहाँ आकर हमारे लोगों का जो ये हौसला था, प्रॉब्लम थी, इसको हल किया, तो आइंदा भी हमें सहूलत हुई, क्योंकि हम किसी वक्त किसी जगह में चलते थे रास्ते में इसके फौज होती थी, हमें वो एंट्री के लिए कहते थे या जो भी है, हमें पता नहीं था, तो आज ये हमें अपना फोन नंबर भी दे रहे हैं, अगर किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारी एंट्री हुई है यहाँ भी मथियानी कैंप में भी, तहसीलदार साहब ये खुद मौजूद हैं, अगर किसी जगह भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी मुश्किलात हल करने के लिए जनाब मेजर साहब और तहसीलदार साहब खुद मौजूद हैं, तो खुद ये हल करेंगे, इसलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।